सो हे गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, ये है यामाहा की R25M और इस वीडियो में हम बात करेंगे ये बाइक इंडिया में आएगी या नहीं, और आएगी तो कब तक आएगी, और इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, और इसका प्राइस क्या होगा। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यामाहा की R25M के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यामाहा की R25M जो कि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बाइक है, जिसमें आपको काफ़ी अग्रेसिव फेयरिंग डिज़ाइन देखने को मिलता है। और बात करें इंजन की, तो इस बाइक में आपको 249cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन देखने को मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 35.5 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क है 22.6 Nm, जिसके साथ 6-स्पीड ट्रांसमिशन है। और इंटरनेशनल मार्केट में ये बाइक होंडा की CBR250RR और कावासाकी की ZX25R के साथ कम्पीट करती है। और बात करें इसके इलेक्ट्रिकल फीचर्स की, तो बाइक में आपको LED में प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलता है, जिसके साथ LED इंडिकेटर्स हैं एंड बाइक के रियर में LED टेल लाइट है। तो बाइक में आपको ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है, और इसमें आपको R15 V4 के जैसा ही LCD डिस्प्ले वाला फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा इसमें आपको असिस्ट एंड स्लिपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, ये सभी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। एंड अब बात करें सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग की, तो बाइक में आपको गोल्डन फिनिश्ड प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलते हैं, जिसके साथ रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। एंड बाइक में 298mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है एंड 220mm की रियर में डिस्क ब्रेक है, जिसके साथ स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS है। और अगर टायर्स के बारे में बात करें, तो बाइक में 110/70 सेक्शन का फ्रंट टायर है एंड 140/70 सेक्शन का रियर टायर है, और ये दोनों ही काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं। तो बाइक में आपको ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जिसके वजह से बाइक की परफॉर्मेंस अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इसकी टॉप स्पीड है 173 km/h तक की। एंड बात करें डायमेंशन की, तो बाइक में आपको 14 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और इसमें आपको 30 km/L के आसपास का माइलेज भी मिल जाता है। एंड बाइक की सीट हाइट है 780mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस है 160mm एंड बाइक का वेट है 166 kg। और अब फाइनली बात करते हैं बाइक के लॉन्च एंड प्राइस की। तो जैसा कि अभी यामाहा अपनी R3 एंड MT-03 को इस साल के एंड तक लॉन्च करने वाली है, उसके बाद 2024 के मिड तक आपको ये बाइक इंडिया में देखने को मिल सकती है, और इंडियन मार्केट में इसका एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस 3 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये बाइक कैसी लगी और इंडिया में इसका प्राइस क्या होना चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड टेक केयर।